केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा केंद्र और छात्रावास की आधारशिला रखी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि किसानों की आय और उत्पादन बढ़े तथा लागत घटे। आपको ट्रेनिंग देके कृषि कार्यों से संबंधित, कृषि और उससे संबंधित कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग देके आपकी आमदनी बढ़ाने के यहाँ निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि गरीबी दूर हो और हमारे भाई और बहन जो खेती या खेती से संबंधित अनेकों प्रकार की चीजें करते हैं उनको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। मौके पर उन्होंने किसानों को कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन समेत अन्य वैकल्पिक कृषि को अपनाने का सुझाव दिया। अकेली खेती से आमदनी नहीं बढ़ेगी, खेती के साथ हमें और कई काम करना पड़ेगा, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में हमको लगना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के अभियान से जोड़कर आमदनी बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों और किसानों के साथ लगातार संवाद भी किया जा रहा है ताकि उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। उन बहनों को भी लखपति दीदी बनानी है तो खेती के माध्यम से भी हम बना रहे हैं। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, कई प्रयोग हम खेती के माध्यम से भी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। केंद्र सरकार कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां किसानों को उन्नत कृषि से जोड़ा जा रहा है, वहीं उन्हें आर्थिक सहयोग और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपनी आय और उत्पादन बढ़ा सके। रांची से अवधेश गौतम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार,